वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे। देख लीजिए, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, उसके बाद 6, 7, 8 इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टेन इनवर्स 1 + x² अंडर रूट में -1/x। ठीक, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² -1/x। माना x बराबर, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर अंडर रूट 1 + x² इस तरीके की चीज़ होती है, तो या तो हम x को टेन थीटा मानते हैं या तो काट थीटा मानते हैं, दोनों में से कोई एक मानते हैं, जो उपयुक्त होता है, जो आसानी से फार्मूला बना लेता है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अंडर रूट 1 + x² है, तो हम x बराबर, देखिए मैंने लिख दिया है टेन थीटा, क्या मानेंगे टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x के साथ में इनवर्स लग जाएगा, टेन इनवर्स x, ये आप लोग जानते हैं। तो x की जगह जहाँ हम टेन थीटा रखेंगे तो x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। x की जगह पे टेन थीटा, टेन थीटा उतार दिया गया, टेन इनवर्स जो है वो लगा हुआ है। अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा की जगह हम sec थीटा रख सकते हैं, क्योंकि कर्डी भी स्क्वायर भी sec थीटा -1/10। sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 cos थीटा -1, टेन थीटा को टेन थीटा लिखेंगे। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 - cos थीटा सबके बटे cos थीटा, टेन थीटा को तोड़ेंगे साइन थीटा बटे cos, तो 1 - cos थीटा बटे cos थीटा, और इसको पलट देंगे cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा से कैंसिल हो गए, टेन इनवर्स 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ फार्मूलों को मैंने समझाने की कोशिश किया है, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इसको लिख लीजिएगा। 1 - cos 2 थीटा बराबर होता 2 sin² थीटा। तो अगर मैं यहाँ 2 थीटा की जगह पर थीटा रख दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब इसमें भी 2 से भाग दे दूँ तो यहाँ पर भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से भाग दूंगा थीटा हो गया, यहाँ 2 से भाग दूंगा थीटा बाई 2, यानी 1 - cos थीटा की जगह पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं 2 sin² थीटा/2। उसी तरीके से sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ, 2 से भाग देंगे तो साइन थीटा बराबर होगा 2 sin θ/2 cos θ/2। तो 1 - cos θ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 sin² θ/2, और साइन थीटा की जगह पर रखते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कटेगा, sin θ/2 sin θ/2 कटेगा, sin θ/2 cos θ/2 बचेगा। तो sin θ/2 cos θ/2 आप जानते हैं कि sin θ/cos θ बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो यह हो जाएगा tan θ/2। अब एक जगह इनवर्स, एक जगह इनवर्स नहीं है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टेन इनवर्स टेन को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, θ/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 θ। अब थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान देखिए, जब मैं जहाँ मैंने माना था x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर क्या निकाला गया था, टेन इनवर्स x निकाला गया था। तो अब थीटा का मान हम क्या रख देंगे, टेन इनवर्स x, तो ये क्या हो गया, उसका सरलतम रूप हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग बताइए कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सबसे मैं आगे समझाऊंगा। आप लोग तो इसका कमेंट ही नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उसको मैं कैसे क्या बताऊं, नहीं आ रहा है, आ रहा है, दोनों आ रहा है तो उसको बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 6वां क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1/√x² -1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर कर्डी में 1 - x² है, तो x बराबर या तो हम साइन थीटा मानते हैं या तो कॉस थीटा मानते हैं,
और 1 + x² है तो या तो x बराबर टेन थीटा मानते हैं या तो कॉट थीटा मानते हैं। उसी तरीके से अगर अंडर रूट x² - 1 है तो या तो sec थीटा मानते हैं या तो cosec थीटा मानते हैं, जैसा हमको सुविधा होती है। तो अगर देखिए हम यहाँ पे sec थीटा मानेंगे तो sec² θ - 1 होता है tan² θ, रूट लगा है तो टेन थीटा हो जाएगा, 1/tan θ कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन थीटा है, टेन इनवर्स है और यहाँ पे कॉट थीटा आ रहा है, तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो बेहतर क्या है, बेहतर हमारे लिए है कि हम यक्स बराबर क्या मान लें, कोशेक थीटा। तो अगर हम यक्स बराबर कोशेक थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, कोशेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी हो जब वो इधर जाएगा तो इनवर्स लिखा जाएगा। अब एक है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो कॉट थीटा, 1/cot θ क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। थीटा का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो थीटा का मान यहाँ से आप रख सकते हैं, थीटा बराबर क्या है, कोशेक इनवर्स यक्स है, और कोशेक इनवर्स यक्स को हम लिख सकते हैं π/2 - sec इनवर्स यक्स। फार्मूला मैंने यहाँ जो आवश्यक है लिख दिया है, फार्मूला आपको बताया गया, कोशेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स प्लस कोशेक इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, π/2। तो कोशेक इनवर्स यक्स ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/2 - sec इनवर्स यक्स। तो ये फार्म, ये इसका आंसर आया है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बुक में आंसर में देखा ये दिया था, तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर है। सातवां देखिए, टेन इनवर्स √1 - x/1 + x, इसको भी सरल करना है। तो देखिए टेन इनवर्स 1 - x/1 + x, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 - cos²θ बराबर होता है 2 sin²θ। यक्स अगर 2θ जगह यक्स रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, यानी 1 - cos x बराबर होगा 2 sin²x/2। उसी तरीके से ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, 1 + cos²θ बराबर 2 cos²θ। अब 2θ जगह पर अगर x रखेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, x/2। 1 + cos x बराबर होगा 2 cos²x/2। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 2 sin²x/2, इसकी जगह पर 2 cos²x/2। रूट लगा है, इस रूट को हम अलग करेंगे तो √sin²x/2, √cos²x/2। तो sin²cos², √2 से √2 कटेगा, ये क्या हो जाएगा, tan², tan², माने x/2। इसका भाई एक पे इनवर्स नहीं है, तो tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, x/2। तो इसका सरलतम रूप आपका आ गया। आठवां देखिए, टेन इनवर्स cos²-sin²/cos²+sin²। इसको सरल करना, तो सबसे पहले अंश और हर में कॉस यक्स से भाग देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप हाई स्कूल में भी लगाए होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस यक्स से भाग देंगे, इसके बटे कॉस यक्स और इसके बटे कॉस यक्स। cos²/cos²-sin²/cos², cos²/cos²-sin²/cos², टेन इनवर्स cos²/cos² क्या होगा, 1 - sin²/cos² क्या होगा, tan x, 1 + sin²/cos x tan x। इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, और यहाँ पर भी गुणे के 1, गुणे में 1 होता है, 1 तो भाई हर जगह गुणे के रूप में होता है, 2 में भी 2 गुणे 1 होता है, तो tan x में भी tan x गुणे 1 यहाँ पर है, इस 1 को लिखेंगे tan π/4। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बन रहा है, tan A - tan B/1 + tan A × tan B, किसका फार्मूला, tan A + B, A की जगह पे क्या है π/4, B की जगह पे क्या है x है, तो ये किसका फार्मूला है, tan π/4 - x का फार्मूला है। तो इसको हम रख देंगे, tan इनवर्स तो है, ये हो गया tan π/4 - x, तो tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देगा, बचेगा π/4 - x, तो इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। नौवां देखिए, tan इनवर्स x / √a² - x²
हाँ, इसमें भी समझिए कि जैसे मैंने अभी बताया था कि 1 माइनस अगर यक्स स्क्वायर है तो यक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा माना जाता है, लेकिन अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यक्स बराबर या तो हम ए साइन थीटा मानेंगे या तो यक्स बराबर ए कॉस थीटा मानेंगे। तो इसमें हम यक्स बराबर क्या मान रहे हैं, ए साइन थीटा। तो ए इधर आ जाएगा, यक्स बाई ए बराबर होगा साइन थीटा, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब यक्स बराबर अगर हम ए साइन थीटा मान ले रहे हैं तो ए स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमारा ए बाहर आ जाएगा। देखिए जब ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए बचेगा, ऊपर ए साइन थीटा तो था ही, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट भी लगा तो कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ये कटा नहीं है, यहाँ पे लाइन ऐसे गलती से खींच गई थी, तो टैन इनवर्स टैन थीटा, तो टैन इनवर्स को टैन क्या करे कैंसिल, क्या बचेगा थीटा। थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान यहाँ से देखिए मैंने निकाला था, जहाँ माना था एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या निकला था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो थीटा का मान हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरीके से 10वां क्वेश्चन आपने समझ लिए। अब 10वां क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 10वां क्वेश्चन देखें, टेन इनवर्स 3a² x माइनस x³ बटे a³ माइनस 3ax² तो इसको भी अब हमको सरल करना है, ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा, इसमें हम यक्स बराबर क्या मानेंगे, ए टैन थीटा, तो ए इधर आएगा तो यक्स बाई ए बराबर होगा टैन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स बाई ए, यक्स बराबर ए टैन थीटा मानेंगे तो यहाँ पर ए टैन थीटा क्यूब हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a, यक्स बराबर ए टैन थीटा, तो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू ए, ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब दोनों पर आएगा, ए क्यूब टैन क्यूब थीटा, ए क्यूब यहाँ से ए जो है स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर से देखिए ए क्यूब कॉमन होगा, ए भी ए स्क्वायर इंटू ए, ए क्यूब हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये किसका फार्मूला है, टेन 3 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो था टेन 3 थीटा हो गया था, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो इनवर्स और इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पर बचेगा क्या, थीटा, 3 थीटा बचेगा, तो थीटा का मान रखने पर थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस बात को समझिए, जहाँ पर यक्स बराबर मैंने माना था ए टेन थीटा, तो एक्स बाई ए बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर क्या था, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो उसी चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, थीटा की जगह पर मैंने क्या रखा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ इसमें इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक समझाने की कोशिश किया है, शायद आपको समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप उसको बताइएगा, मैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करूँगा।